हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपका कॉमन सब्जेक्ट है। यूपी के किसी भी एग्जाम में आपको यूपी से प्रश्न जरूर आते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा। और जो लोग यहाँ पर आरओ की क्लास 5 बजे, ठीक है, 5 बजे क्लास नहीं लेते हैं वो लोग आरओ की 5 बजे क्लास, और सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे आरओ की क्लास आपकी चलाई गई है, जिसमें से आपको जीके भी और हिंदी भी आपको मिलेंगी। आपको 5 बजे हिंदी और 10 बजे यहाँ पर अभी हिंदी आ रही है, और एक दो दिन में आपको यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे आरओ के मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है, कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है। चलिए 7 का जवाब दीजिए सभी लोग साथ में। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका फैजाबाद, अर्थात इसका नया नाम आपका अयोध्या हो चुका है। तो अयोध्या में आपका स्थित है आपका कनक भवन, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर, वन विभाग को, ठीक है, वन विभाग को। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2013 में वन विभाग को इको पर्यटन हेतु अधिकृत किया गया था, और वन विभाग द्वारा जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव हो गया, ठीक है, और भी आपके यहाँ पर कह सकते हैं इन्हीं के अनुरूप आपके पर्यटन रूप विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है। चलिए 9 का जवाब दीजिए, और यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड नंबर, डिस्कवर योर रूट्स योजना। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, डिस्कवर योर रूट्स योजना, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन कालीन आई छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। प्राचीन काल में जो आपका आई छत्र वर्तमान में जो आपका है कहाँ पर है, प्राचीन कालीन आई छत्र वर्तमान में कहाँ है। तो 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, आपके बरेली में, ठीक है। आपके आई छत्र की पहचान राज्य के बरेली जिले में आपकी स्थित रामनगर से की गई है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। चलिए 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी साथी, और यहाँ पर जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपके यहाँ पर अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के काली नदी के तट पर आपका है यहाँ पर। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, आपके एटा हो जाएगा, ठीक है, एटा आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके कोसल, ठीक है, आपके कोसल महाजनपद का अंग था ये, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है। कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है। चलिए 13 का जवाब देना है, और 13 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, पहला जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ नगर जिले के आपकी पिपरवाहा से किया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न अगला है, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है। समीपस्थ है आपका लुम्बिनी किस जनपद के पास में है। तो लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, और याद रखिए ये आपके महाराजगंज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महाराजगंज के जिले के कह सकते हैं एक स्टेशन पड़ता है, नौतवा स्टेशन,
उसके पास आपका स्थित है और वर्तमान में इसे रुमिनदेही कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संत मलूकदास की जन्मस्थली कहाँ है या कहाँ थी? तो संत मलूकदास की जन्मस्थली कहाँ थी? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड कड़ा, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो इलाहाबाद से 40 किलोमीटर दूर गंगा तट पर आपके कौशाम्बी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है कि आज का कड़ा किस जिले में स्थित है? जो कड़ा है यह आपकी किस जिले में है आपका है? तो 16 का जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि घोसीताराम बिहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? घोसीताराम बिहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? 17 का जवाब दीजिए। तो 17 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड नंबर आपकी कौशाम्बी, ठीक है, कहाँ पर? आपकी कौशाम्बी में करवाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म स्थान हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था यहाँ पर? तो मेन फोकस देखो प्रश्न क्या कह रहा है उसी पर करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था यहाँ पर? 18 का जवाब, तो 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर अयोध्या में हुआ था, याद रखिए अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें और 14वें तीर्थकर जैसे कि आपका ऋषभदेव, आपके अजितनाथ, अभिनंदन दास, सुमित और अनंतनाथ, ये जन्म अयोध्या में ही हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कालपी किस जनपद में है? कालपी किस जनपद में है? तो कालपी जो कि जालौन जनपद में यमुना नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड नंबर जालौन, ठीक है। और ये कालपी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहीं पर बीरबल का जन्म हुआ था, ठीक है, बीरबल का जन्म यहीं हुआ था, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? चलिए, भीतर गांव जो कि गुप्तकाल में जो ईंट और पत्थरों से निर्मित ये आपका मंदिर है, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपकी कानपुर देहात, ठीक है। कानपुर देहात में एक भीतर गांव मंदिर पड़ता है। भीतर गांव मतलब मंदिर जो आपका है, भीतर गांव एक गांव ही जैसा है, समझ लो कस्बा जैसा आपका है, तो वहां पर आपका निर्मित है, ठीक है। और यह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? 21 का जवाब देना है। और 21 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा आपके सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर से 41 किलोमीटर, माफ करिए 41 किलोमीटर, ठीक है, 41 किलोमीटर दूर आपके है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शाकुंभरी देवी का मंदिर एक पवित्र स्थल है और प्रतिवर्ष नवरात्रों में यहाँ पर कह सकते हैं एक विशाल मेला लगता है यहाँ पर, जो जानता होगा यहाँ पर से होगा तो वो समझता होगा। चलिए अगला है मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर किस जनपद में आपका है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब 22-51 हो जाएगा ऑप्शन, सभी लोग जवाब सही दीजिए यहाँ पर। 22 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में स्थित है मगहर, जो कि संत कबीर का महाप्राणायर स्थल है, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल भी आपका ये है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृंगु ऋषि मंदिर है? भृंगु मंदिर आपका है, तो यहाँ पर भृंगु जी का मंदिर बोला दिया जाता है इसे, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट नंबर आपके बलिया, ठीक है, कहाँ? बलिया, तो ये बलिया में है और कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृंगु जी का मंदिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र आपके हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी के समझ लो। चलिए अगला प्रश्न है कि किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? यहाँ पर किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा 24 को ऑप्शन आपका थर्ड बिठूर। याद रखिएगा कि ब्रह्मावर्त तीर्थ
कानपुर से 24 किलोमीटर दूर आपके गंगा तट पर आपका स्थित है बिठूर, और कह सकते हैं कि इसका प्राचीन नाम बिठूर जो है, बिठूर का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। रामायण की जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी आपका यहीं पर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहीं रहती थी। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी यहाँ लगता है, कई ऐसे आपके हैं बिठूर में गंगा मेला भी लगता है। चलिए, मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, मैत्रेय परियोजना, और मैत्रेय परियोजना आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपकी कुशीनगर, ठीक है, आपकी कुशीनगर जो कि कह सकते हैं आपके जापान की सहायता से, ठीक है, जापान के सहायता से ये आपका हो रहा है आपकी कुशीनगर का विकास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म स्थल के रूप में किया जा रहा है। चलिए अगला, यहाँ पर एक बुद्ध जी की 500 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जानी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे है कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है। चलिए 26 का जवाब देना है, और 26 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर हापुड़, ठीक है, कहाँ पर, हापुड़ जिले में आपके गंगा के दाहिने तट पर आपका गढ़मुक्तेश्वर नामक एक स्थान है, जो कि प्राचीन काल में हस्तिनापुर का एक मोहल्ला हुआ करता था, ठीक है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा सोरो, उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले के, ठीक है, कहाँ पर, कासगंज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो कासगंज जिले में स्थित है, सेरो क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक आपका पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था, 28 नंबर, तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा बांदा में, ठीक है। याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में, कहां हुआ था, राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, जो कि चित्रकूट के पास में ही पड़ता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है, संकिसा, और संकिसा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि संकिसा वर्तमान में फरुखाबाद जनपद में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, फरुखाबाद स्थल में आपका स्थित है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो ह्वेन संग था ने भी इसका उल्लेख किया था, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगले पूछो आते हैं, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, 30 नंबर, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा आगरा, ठीक है। मतलब कि आगरा में ही, खास नहीं कह सकते हैं, आगरा से 40 किलोमीटर दूरी स्थित आपका फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ऑप्शन में आपको नहीं है लेकिन पास में किसके है, आगरा में ही, इस कारण से जवाब का हो जाएगा वैसे शुद्ध का होगा फतेहपुर सीकरी, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, 31 नंबर, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 31 को ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपकी कन्नौज, ठीक है, कहां पर आपके है, तो कन्नौज जो कि अपने हजारों वर्ष पुराने खंडहर मंदिर मस्जिद आदि के लिए आपका आकर्षण का केंद्र है, और यहां पर इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जयचंद का किला हो गया, ठीक है, छेमकली देवी का मंदिर भी हो गया, यहां पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्नौज में हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ पर है, नैमिषारण्य जो कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली माना जाता है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली माना जाता है, और ये आपके कहाँ पर है, तो आपकी सीतापुर में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सीतापुर आपके है, सीतापुर से लगभग देखा जाए शहर से 21 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है, और यहाँ पर फागुन माह में लोग यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा भी करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, चलिए 33 का जवाब देना है, और यहाँ पर 33 को ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके
आपके आगरा में है, ठीक है। नूरजहाँ ने अपने पिता, मतलब ये कौन थे इत्मादुद्दौला, ये नूरजहाँ के पिता थे, इनको ग्यास बेग के नाम से भी जाना जाता था। ये आपके ये मकबरा आगरा में बनवाया गया था, ठीक है। और ये पित्राडुरा शैली में बनाया हुआ अत्यधिक आपका प्रसिद्ध आपके कह सकते हैं मकबरा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दयाल बाग कहाँ है, दयाल बाग कहाँ पर है, 34 नंबर दयाल बाग, और ये है आपके आगरा में, ऑप्शन आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, अक्षय वृक्ष, और अक्षय वृक्ष जो कि हजारों पुराणों कह सकते हैं कि वर्ष पुराण में एक वृक्ष है जो कि इलाहाबाद में यमुना तट पर स्थित है अकबर के किले के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके इलाहाबाद, ये कह सकते हैं वर्तमान में आपका प्रयागराज है, ठीक है, जो अकबर के किले के अंदर इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि हजारों कथाएँ और भी चीज़ें आपकी प्रचलित हैं यहाँ पर, जो लोग होंगे तो थोड़ा उनको जानकारी होगी। अगला है सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, 36 नंबर, और 36 को ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर बहराइच, ठीक है, कहाँ पर आपके, तो आपके बहराइच में स्थित है, ठीक है, बहराइच। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 37 का हो जाएगा थर्ड नंबर, आपके वाराणसी में, कहाँ पर है आपके वाराणसी में, 37 का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर सावन माह में लगने वाले मेले श्री कृष्ण व श्री राम के जीवन पर आधारित कह सकते हैं विद्युत प्रदर्शनियों के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, संकट मोचन, काफ़ी तो मंदिर है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, निर्वाण महोत्सव, तो यहाँ पर निर्वाण महोत्सव जो आपका हो जाएगा आपकी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है, कहाँ पर, कुशीनगर में आपका मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, सोह गौरा किस जनपद में स्थित है, सोह गौरा किस जनपद में स्थित है, तो सोह गौरा उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है, यहाँ पर कहाँ पर 39 का, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, आपके गोरखपुर में, ठीक है, कहाँ पर आपके गोरखपुर में, सो गौरा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, लखनऊ का प्राचीन नाम, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा लखनऊ का प्राचीन नाम था आपका लक्ष्मणपुरी, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा लक्ष्मणपुरी था, ठीक है, और इस नगर को भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था, यहाँ एक पुराना टीला भी है, लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, गए भी होंगे। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, चलिए 23वें तीर्थकर की बात पूछा है यहाँ पर, जवाब से क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपके काशी में, ठीक है, कहाँ पर, तो आपके काशी में हो जाएगा, 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है, सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है, अकबर के मकबरे के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ पर, आपके ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, आपके आगरा, ठीक है, सिकंदरा आपके आगरा जनपद में अवस्थित है, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हुलास किस जनपद में स्थित है, हुलास, हुलास किस जनपद में है, तो हुलास है आपके कहाँ पर, आपके सहारनपुर जिले में है, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर कुषाण शुंग के समय के भी हुलास बस्तियाँ मिलती हैं। अगला है, कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था, चलिए 44 का जवाब दीजिए, भगवान बुद्ध का जो प्रिय नगर था वो आपका कौन था, तो ये नगर था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय कह सकते हैं नगरी थी, और भगवान बुद्ध ने 25 वर्ष काल कह सकते हैं व्यतीत किए थे यहाँ पर, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वहाँ पर व्यतीत भी किए हैं, भाषण भी दिए हैं, सब कुछ हैं अपने। अगला प्रश्न है कि बिहारी जी का मंदिर कहाँ है, बिहारी जी का मंदिर,
बिहारी जी का मंदिर कहां पर है? तो बिहारी जी का मंदिर याद रखिए वृंदावन में है, ऑप्शन आपके यहां पर थर्ड हो जाएगा आपकी वृंदावन में है। और यहां पर राधा बल्लभ जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, ठीक है, श्री गोपीनाथ जी मंदिर, शाहजी का अष्ट सखी मंदिर, ठीक है, और काफ़ी चीज मंदिर है वहाँ पर। अगला है धम्मेख स्तूप कहाँ है? धम्मेख स्तूप कहाँ है? 46 नंबर। तो धम्मेख स्तूप आपके बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्तूप है जो कि वाराणसी जिले के आपके सारनाथ जनपद में है, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कलिंजर जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपकी बांदा, ठीक है, कलिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में है और यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था काफ़ी समय पहले। और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद और सिराज ही हिंद कहा जाता था आपके जौनपुर को, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत का सिराज कहा जाता है आपकी किसको? जौनपुर को। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में किया था, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं अटारा मस्जिद काफ़ी प्रसिद्ध आपके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? 49 नंबर। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है आगरा से 40 किलोमीटर दूर आपके कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में आपके है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? द्वारिकाधीश मंदिर, तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है आपके? ऑप्शन राइट आपको थर्ड हो जाएगा आपके मथुरा में, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, ठीक है, आदि प्रमुख मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और कुछ आपके यहाँ पर जनपद दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर कौन सा जनपद कहाँ पर स्थित है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो आपका है वो आपके है झांसी में, ठीक है, इसका आपका डी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर आपके देवरिया में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर आपके फर्रुखाबाद में और वराह भगवान का मंदिर आपके एटा में है। तो फोर्थ डी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, अभी हमने इसका जवाब अभी आपको बताया है, ठीक है, पसंद आया है तो डेली यहाँ पर आप लोग आइएगा, ठीक है। और कह सकते हैं जो 5 बजे क्लास नहीं लेते हिंदी की क्लास 5 बजे भी लिया करिए, सुबह 10 बजे भी आपकी क्लास चलती है, तो आपकी सुबह 10 बजे भी आपकी कह सकते हैं जीके जीएस और हिंदी की क्लासें चलती रहती हैं, तो आप 5 बजे 10 बजे और 8:30 बजे तो डेली आप क्लास लिया ही करिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम करते हो, ठीक है, सबके लिए आपकी हिंदी आपकी चलाई गई है 8:30 बजे, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी दिन से जुड़े हैं बच्चे और काफ़ी दिन से क्लास चलाई जा रही है 8:30 की, ठीक है, 2 साल होने वाले हैं। तो इस प्रकार से डेली टेस्ट आपका होता है और अच्छे टेस्ट होते हैं, ज्ञान आपको मिलेगा ज़रूर। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है, मज़ा आएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो कमेंट करने में मज़ा आता है, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।